तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल देसी डिटेल्स ओनली में। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि मुझे पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 3 लाख का पर्सनल लोन 2 साल के लिए। तो मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी और पूरे 3 लाख के अमाउंट पर 2 साल में मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा और मेरी हर मंथली ईएमआई क्या बनेगी और क्या क्या प्रोसेसिंग फीस होगी, क्या क्या चार्जेस होंगे और क्या क्या पर्सनल लोन की स्कीमें चल रही हैं। उन्होंने बहुत ही भयंकर क्वेश्चन इस बार किया है कि पर्सनल लोन की क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, कौन सी बेस्ट स्कीम है, वो भी मुझे डिटेल से समझा दीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में अगर आए हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए जल्दी से। गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। तो चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पीएनबी बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं पीएनबी बैंक की ऑफिशियल साइट पर और इसकी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो पीएनबी बैंक का पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग है वो सबसे लो है यार, 8.30% से आप लोगों को पर ईयर के हिसाब से आप लोगों को ब्याज मिल जाता है, इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करी जाए तो पर्सनल लोन की बहुत सारी स्कीमें हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। तो देख लो, ये जो मैं आप लोग को डिटेल दे रहा हूँ वो जून महीने की, जून चल रहा है और 2022 चल रहा है अपना महीना, 2022 के जून के हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.90% चल रहा है और पीएनबी डॉक्टर्स डिलीट के लिए जो चल रहा है वो 8.90% चल रहा है। देखो पीएनबी पर्सनल लोन जो स्कीम, देखो पब्लिक के लिए भी सेम है, डॉक्टर के लिए भी सेम है और पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर के लिए भी जानते हैं तो 7.90% तक चल रहा है। तो यार देखो, तीनों इंटरेस्ट पे हम लोग अपनी मंथली ईएमआई जानेंगे क्योंकि भाई ने नहीं बताया कि वो डॉक्टर है कि पेंशनर है कि पब्लिक है। ठीक है, तो हम लोग अपनी मंथली ईएमआई जो निकालेंगे वो तीनों के इंटरेस्ट से निकालेंगे। तो चलिए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं, इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे आप लोग सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो तभी मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है क्योंकि आप लोग को आसानी हो जाए। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कैसे निकालना अपनी मंथली ईएमआई वो भी देख लो। तो देखो यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। पर्सनल लोन सेलेक्ट करना है। अब हम लोग को 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए तो 3 लाख का यार चाहिए तो 3 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लेना सिंपल सी। अब इंटरेस्ट रेट तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं पब्लिक वाला 8.90%। तो 8.90% हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट डालते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया 8.90% और तीन कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए भी निकाल के देखेंगे और 3 सालों के लिए भी निकाल के देखेंगे। तो 2 साल में जो हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी, देख सकते हैं लोन ईएमआई लिखा हुआ है, ये आप लोग की जो मंथली ईएमआई निकल के आ रही है 13,692 रुपये, मतलब कि मंथली किस्त जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये डॉक्टर के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है। अगर पीएनबी बैंक से लोन लेंगे तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको जो मंथली ईएमआई बनेगी 3 लाख के अमाउंट पर 2 साल पे, तो यही मंथली ईएमआई बनेगी। तो आइए और जानते हैं, जैसे आप लोग पूरे 3 लाख में आप लोग का जो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 8.90% लग रहा है और पूरे 2 सालों में जो टोटल आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को 2 सालों में, वो भी 3 लाख के अमाउंट पर, वो पे करना पड़ेगा 28,600 रुपये, जो कि होता है परसेंटेज में 8%। ये आप लोग देख सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 8% आप लोग को देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आप लोग का लगेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोग बैंक से पैसे लेते हैं, 3 लाख रुपए आपने लिया बैंक से तो वो आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं सर्कल वाले में ग्रीन पार्ट जो आप लोग का देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो ये आप लोग 91% है और ये आप लोग को देना पड़ेगा पूरा टोटल मिला करके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, इंटरेस्ट रेट 28,000, तो ये आप लोग को मिला करके देना पड़ेगा 3,28,600 रुपए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। तो ये हो गई भाई बात। अब जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं, तो जैसे आपने 2 सालों के लिए लोन लिया है तो उतने सालों का ये ग्राफ देखो आप लोग को मिल जाता है। ग्राफ से नहीं समझ में आता तो एक चार्ट बन जाता है जिसको आप लोग प्रिंट करवा करके बैंक में भी लगवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आप लोग को पता लगाना कि 2022 में इसने तो टोटल बता दिया है, अब आपको पता लगाना कि 2022 में मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो आप बता सकते हो 82,000 और टोटल इंटरेस्ट कितना है मेरा लगेगा, तो 13,766 रुपए। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो 95,841 रुपए आप लोगों को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। बैलेंस अब इसको माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा, 2,17,000। तो यार ये आसानी से बता सकते हो, ऐसे 2022 के हर महीने का आप लोग बता सकते हो, 2023 के हर महीने का बता सकते हो,
जिससे आप लोग माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आसानी से आप लोग चीजें देख करके समझा सकते हो लोगों को। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर इसी जगह हम लोग 2 साल के बदले अगर 3 साल के लिए लेते हैं, तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई क्या बनती है, देखो मंथली ईएमआई तो यार कम हो गई, लेकिन टोटल देखा जाए तो हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। 2 सालों में हम लोग का इंटरेस्ट लग रहा था कुछ 28,000, अब ये बढ़ के 3 सालों में हो गया 42,000, मतलब कि 14,000 का यार डिफरेंस आ गया, 14-15,000 का डिफरेंस आ गया। तो यार भाई देखो, जितनी जल्दी लोन पेड कर दो उतना कम इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट में जो पैसा जा रहा है उसको आप लोग कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। यार एक चीज याद रखा करो हमेशा, तो ये आप लोग को 42,935 रुपए आप लोग को देना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट 3 सालों में। अब जो मंथली ईएमआई जाएगी वो तो कम हो जाएगी 9,526 रुपए, लेकिन यार ये चीज देखो यार, मंथली ईएमआई तो देने से लेकिन 28,000 लग रहा है टोटल। अब इसी जगह अगर हम 1 साल के लिए करते हैं, 1 साल के लिए लेते हैं, तो देखो 14,000 इंटरेस्ट लग रहा है। तो यार अपने अकॉर्डिंग यार थोड़ा सोचा करो कि जितनी जल्दी लोन पेड कर दे उतना बढ़िया है। देखो लोन लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन लोन जल्दी पेड करना जरूरी है, क्योंकि यार देखो इसी जगह अगर आप 4 साल के लिए लेंगे तो देखो 57,000, और इसी जगह अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो 72,000, 1 लाख तक पहुंच जाएगा इसे 6। हाँ तो यार ये जरूरी नहीं है कि कितने सालों के लिए ले रहा हो, तो ये यार चेक करने के लिए मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। क्योंकि यार देखो हर तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ से हम लोग को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, तो वो बात आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को 13,662.92 रुपये आप लोग की मंथली किस्त बनेगी। अब ये रहा पेंशनर, अब पेंशनर के लिए जानते हैं कि पेंशनर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, वो चल रहा है 7.90%। तो इनके लिए हम लोग डाल देते हैं 7.90%, 7.9, ये पेंशनर के लिए मैं बता रहा हूँ यार भाई। तो 7.90% जैसे डालेंगे तो आप लोग की जो मंथली ईएमआई निकल के आएगी वो निकल के आएगी 13,555 रुपए, और 2 सालों में 3 लाख के अमाउंट पर। अब 25,000 आप लोगों उसमें आप लोगों को 2-3,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो यार आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट रेट का जो टोटल पेमेंट है वो भी कम हो गया, क्योंकि 28,000 देना पड़ रहा था 8.8% में, अब 7% में 25,000 देना पड़ रहा है। तो यार थोड़ा बहुत तो ये घाटा होता है, देखो अब 7% हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा। तो यार अपना सिविल स्कोर मेंटेन करके रखा करो, क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखा करो, जिससे आप लोग को आने वाले समय में यार कभी लोन वोन लेने की प्रॉब्लम हो तो आप लोग आसानी से कम इंटरेस्ट पे ले सको, और आसानी से और कम सालों में निपटा दो, क्योंकि इतना कमा रहे हो कि भाई तुरंत निपट जाए। तो ये यार आप लोग चीज़ें समझो, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि और क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। तो ये भाई यार इंटरेस्ट रेट था जून महीने का, और तीनों का मैंने बता दिया, पब्लिक सेक्टर का, डॉक्टर सेक्टर का भैया, और पेंशनर सेक्टर का। तो ये मैंने तीनों सेक्टर उठा लिए। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, देख सर पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक के लिए इन्होंने अलग से क्रेडिट स्कोर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है। अब लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ड्राइविंग सैलराइड थ्रो के लिए देखो इनका जो सिविल स्कोर है वो 700 से 800 के बीच में होना चाहिए, तब आप लोग को 10.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर आप लोग का 600 से 749 के बीच में आप लोग का सिविल स्कोर है तो आप लोग को 11.25% के बीच में लगता है। इसी जगह अगर आपका 650 से भी नीचे है तो आप लोग को 12% लगता है। अगर आप लोग का 800 है तो आप लोग का 10.25% लगता है, क्योंकि ये लोन कंपेयर देखो एम्प्लॉयज और ड्राइविंग सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है। लोन है देखो, लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ड्राइविंग सैलरीड के लिए देखो, जो ड्राइविंग करते हैं ना सैलरी बंदे, जो पीएनबी से लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ। अगर आप लोग का सिविल स्कोर 700 से 800 के बीच में है तो 11% लगेगा, अगर इसी जगह 600 से 749 के बीच में है 13% लगेगा, अगर इसी जगह 650 से भी नीचे है तो 13% लगेगा भाई, 13.75%। तो यार कुछ ये चीज़ें चल रही हैं। अगर देखो पीएनबी के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, पर्सनल लोन डॉक्टर स्कीम चल रही है, पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर, तो इसमें आप लोग को जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.90% है। तो यही कुछ टर्म भाई पॉलिसी चल रही है, स्कीमें यही कुछ चल रही हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, जो चलेंगी मैं आप लोग को बता दूंगा, नहीं तो आसपास आप लोग के पास कोई भी पीएनबी बैंक का आप लोग का ब्रांच हो तो वहाँ से जाकर के आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, और भी ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके क्वेश्चन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप लोग अपनी मंथली ईएमआई जरूर से निकालिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।